हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही स्पेशल केक की रेसिपी जो दिखने में बहुत सुंदर लगता है और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी होता है। आज हम इस केक को विदाउट एग, कंडेंस मिल्क या फिर ओवन बनाएंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं इस स्पेशल केक को बनाते कैसे हैं। तो इस केक के लिए पहले मैं एक पैन में 1/3 कप दूध लिया है। अब उसमें मैं 1/4 कप बटर डाल रही हूँ। अभी हम बटर को मिक्स कर लेंगे दूध के साथ और उसे लो फ्लेम में मेल्ट करेंगे, यानी कि दूध के साथ जब तक बटर अच्छे से मिक्स ना हो जाए और दूध हल्का बॉयल होना स्टार्ट ना हो जाए तब तक हम उसे कुक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूध में बॉयल होना स्टार्ट हो गया हल्का हल्का, साइड पे आप देख सकते हो एजेस में। तो इस स्टेज में हम गैस का फ्लेम को बंद करके उसे साइड पर रख देंगे। अभी केक का हम ड्राई इन्ग्रीडियंट्स जितना है उसे शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैदा मैंने लिया है 1 कप, उसके साथ 3/4 टीस्पून लिया है बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून लिया है बेकिंग सोडा। साथ ही में नमक भी डाला है 1 पिंच जैसा, जिससे केक के टेस्ट में एक अच्छा सा बैलेंस आ जाएगा। तो सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से सिफ्ट कर लेंगे, फिर उसे एक बार मिक्स कर लेंगे। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रेडी हो गया है, अभी हम वेट इंग्रेडिएंट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बाउल में मैंने 1/2 कप चीनी लिया है, उसके साथ 1/4 कप लिया है दही। इसके साथ अभी हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस। अभी हम सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक चीनी अच्छे से डिजॉल्व ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चीनी बिल्कुल अच्छे से घुल गई है और इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी बन गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सिफ्ट करके रखे थे उसमें से 1 से 2 चम्मच जैसा या फिर बैचेस में हम उसे मिक्स करेंगे। पहले 2 से 3 चम्मच मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिया, फिर उसके साथ हम जो दूध और बटर को मेल्ट करके रखे थे उसमें से भी थोड़ा ऐड किया। अभी अच्छे से दोनों को मिक्स करेंगे। ओवर मिक्स नहीं करना है हमें, बस फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड बैचेस में मैं 2 से 3 चम्मच जैसे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड किया, फिर वापस मैंने दूध और बटर का मिक्सचर भी इसमें ऐड करूँगी। तो इसी तरीके से हमें 3 से 4 बैचेस में ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके एक स्मूथ सा बैटर रेडी करना है। यहाँ पे आपको एक ही बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप बैटर को मिक्स करोगे तभी आपको बैटर को ओवर मिक्स नहीं करना है, बस हल्के हाथों से उसे फोल्ड करना है जब तक बैटर आपका स्मूथ ना बन जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से उसे फोल्ड किया है और इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं है। तो अभी मैं इस बैटर में थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ पिंक कलर का, क्योंकि बैटर मुझे पिंक कलर का चाहिए इसलिए मैं पिंक फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको इसके जगह और कोई कलर लेना है तो आप आराम से उसे ले सकते हो। यहाँ पे देखिए बैटर मेरा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक बेकिंग मोल्ड लिया है, उसे हल्का सा ऑयल से ग्रीस करके उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा से डस्ट कर लिया है। मैंने यहाँ पे स्क्वायर वाला बेकिंग मोल्ड लिया है, आपके पास कोई भी बेकिंग मोल्ड कोई भी शेप का हो तो आप उसे ले सकते हो। सारे बैटर को मैंने बेकिंग मोल्ड के अंदर डाल के उसे चारों तरफ अच्छे से फैला दिया है और 2 से 3 बार अच्छे से टैप कर लिया है ताकि बैटर अच्छे से मोल्ड के अंदर सेट हो जाए। अब इसे हम एक प्री हीटेड कढ़ाई में 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में बेक करेंगे। अगर आप उसे ओवन में बेक करना चाहते हो तो 180 डिग्री में आपको 10 से 12 मिनट के लिए बेक करना है। 10 मिनट के बाद हम अभी चेक कर लेंगे, एक टूथपिक या फिर एक नाइफ उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। अगर आपका क्लीन आ रहा है टूथपिक या फिर नाइफ तो आपका केक अच्छे से बेक हो गया है। तो यहाँ पे केक हमारा बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है, इसे अभी हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर बाद में हम उसे डिमोल्ड करेंगे। केक ठंडा होने के बाद मैंने उसे मोल्ड से रिमूव कर लिया है और यहाँ पे देखिए मैंने एक हार्ट शेप का कुकी कटर लिया है जिससे हम केक को ऐसे कट करेंगे। तो पहले हम ऐसे हल्का सा उसे प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमारा हार्ट शेप का केक रेडी हो जाएगा। तो इसी तरीके से कुकी कटर की मदद से पूरे केक को काट के इसे हार्ट शेप का केक हम निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने पूरे केक में से इसे हार्ट शेप का केक निकाल लिया है, अभी हम इसे साइड पे रख देते हैं। अभी हमें इस केक के लिए और एक बैटर चाहिए। तो ये जो बैटर आप यहाँ पे देख रही हो, हम जो पहले केक के लिए जो बैटर बना के रेडी किए थे उसका डबल क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे बैटर रेडी किया है, लेकिन उसमें मैंने फूड कलर ऐड किया था, इसमें मैंने फूड कलर ऐड नहीं किया है। तो जो मेजरमेंट का हम पहले वाला केक के लिए रेडी किए थे पिंक कलर का केक के लिए, उसका डबल क्वांटिटी में हम और एक बैटर रेडी करेंगे। इस केक को बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके के एक बेकिंग टिन लिया है, जिसे मैंने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करके उसके ऊपर हल्का सा मैदा से डस्ट कर लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, जो बैटर बनाए थे उसमें से थोड़ा बैटर हम मोल्ड के अंदर डालेंगे और चारों तरफ अच्छे से उसे फैला देंगे। ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे, कम बैटर डाल के 1 इंच जैसा थिकनेस रहेगा उसका, बस उतना ही बैटर हमें डालना है और चारों तरफ उसे अच्छे से फैला के हम उसे 2 से 3 बार टैप कर लेंगे। अभी हम जो हार्ट शेप का केक काट के रेडी किए थे कुकी कटर से, उसे ऐसे मोल्ड के अंदर अरेंज कर लेंगे। आप यहाँ पे साइड पे देख सकते हो मैंने थोड़ा सा गैप रखा है, तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा गैप रख के
सारे हार्ट्स को ऐसे मोल्ड के अंदर अरेंज कर लेना है। तो यहाँ पे सारे हार्ट्स को मैंने मोल्ड के अंदर अरेंज कर लिया है और रेस्ट जो बचा था बैटर को मैंने एक पाइपिंग बैग के अंदर डाल दिया है और हम सारे बैटर को ऐसे मोल्ड के अंदर पोर करेंगे। पहले हम साइड्स में ऐसे बैटर डाल के फिल करेंगे, फिर उसके ऊपर हम बैटर डाल के उसे अच्छे से फिल कर देंगे। आप एक स्पून की मदद भी ले सकते हो बैटर डालने के लिए। 2 से 3 बार अच्छे से टैप कर लेंगे अभी और इसे एक प्री हीटेड कढ़ाई में 40 से 45 मिनट के लिए लो फ्लेम में बेक करेंगे। 45 मिनट्स के बाद मैंने केक को कढ़ाई से निकाल लिया है। एक टूथपिक इंसर्ट करके चेक कर लेंगे अभी। यहाँ पे देखिए टूथपिक हमारा क्लीन आ रहा है, इसका मतलब केक अच्छे से बेक हुआ है। इनकेस आपका केक बेक नहीं हुआ है तो आप 5 से 10 मिनट और ज़्यादा बेक कर सकते हो। केक यहाँ पे हल्का सा ठंडा हो गया है तो पहले हम एक नाइफ की मदद से साइड से ऐसे लूज कर लेंगे, फिर एक वायर रैक के ऊपर हम केक को निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है, चारों तरफ से इवन कलर आ गया है। तो यहाँ पे केक बिल्कुल ठंडा होने के बाद हम उसे स्लाइस करेंगे। केक को यहाँ पे स्लाइस कर लेते हैं अभी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्लाइस करने के बाद ही जो हार्ट है वो अच्छे से दिख रहा है। इसलिए आप जब हार्ट्स को अरेंज करोगे मोल्ड के अंदर तभी साइड्स में थोड़ा गैप रखना, इससे केक बेक होने के बाद जो हार्ट है वो बाहर नहीं दिखेगा। तो आज की इस रेसिपी अगर आपको पसंद आती है प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम फिर मिलते हैं एक न्यू और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।